जब मिस्र पर किब्ती खानदान की हुकूमत आई तो फिरौन ने अपनी ताकत के जोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हजरत आसिया को फिरौन के शर से महफूज रखा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं ताजुद्दीन, आप देख रहे हैं असगर फैक्ट। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अच्छे से हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो लेकर आए हैं हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाकया। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी फोटेज वीडियो दिखाए हैं ये सब एक कल्पनिक तरीक़ों से है, जो आदमी को रिएक्ट उसके करीब देखने में रिएक्ट करें कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, उस तौर पे देखने के लिए शायद बनाया गया। ये ओरिजिनल फोटोज नहीं है किसी का, क्योंकि मुस्लिम में ओरिजिनल फ़ोटो खिंचाना हराम है, जायज़ नहीं है। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिस वीडियो में उनका वाक्या दिखाया गया है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। ईमान के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली एक दिलेर खातून जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन में उन्हें फिरौन के जुल्म जबर से बचाया। लेकिन जब उस खातून ने अल्लाह पर ईमान लाया तो फिरौन ने उसके साथ क्या सलूक किया और ऐसा क्या हुआ कि इस खातून को दुनिया की अजीम तरीन औरत का लकब दिया गया। फिरौन मिस्र का एक जालिम व जाबिर बादशाह था। उसने मिस्र में आबाद कौम बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। फिरौन नहायत ही मगरूर बादशाह था और खुद को लोगों का खुदा और राजिक कहलवाता था, लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत न थी कि फिरौन की मुखालफत कर सके। लिहाजा अल्लाह ने फिरौन के खात्मे का इरादा किया तो बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन दिनों फिरौन ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो लड़का भी पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस मुसीबत व आफत के दौर में मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और उसे दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फिरौन के महल के नीचे बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि यह संदूक दरियाए नील से बहते हुए उस नहर में चला गया। उस वक्त नहर के किनारे फिरौन की बीवी आसिया बिनते मुजाहिम बैठकर नहर का नज़ारा कर रही थी। आसिया एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी और वो किसी बीमारी से शदीद तकलीफ़ में थी। फिरौन ने इसका बहुत कुछ इलाज कराया था मगर वो नाकाम रहा। कहते हैं कि काहिनों ने उसे बताया था कि ऐ फिरौन, हम पेशन गोई करते हैं कि इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा, अगर उसके मुंह की राल इस बीमार खातून के जिस्म पर मली जाएगी तो उसे शफा हो जाएगा। चुनांचा जब नहर में बहते इस संदूक पर आसिया की नज़र पड़ी तो उसने मुलाजमीन को उसे निकालने का हुक्म दिया। जब उस संदूक को पानी से निकाला गया और उसे खोला गया और मलका ने इस बच्चे को देखा तो उसे यूं महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकी है जिसने उसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। आसिया के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। इस बच्चे का लौबे दहन जैसे ही उनके हाथों पर पड़ा तो उन्हें शिफा हो गई। फिरौन की बीवी आसिया की बदन से कोई लड़का न था और वो बे औलाद थी, लिहाजा इस पाक दिल खातून की ममता जाग उठी और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले ली। इस तरह अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी फिरौन के महल में हुई जिसने आप अलैहिस्सलाम के हाथों से हलाक होना था। दरअसल लफ्ज़ फिरौन उस दौर में मिस्र के बादशाह का लकब हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के सिलसिले में दो फिरौनों का जिक्र आता है, एक वो जिसके ज़माने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप ईमान की दावत और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा लेकर गए और जो समुंदर में गर्क हो गया। लिहाजा बीबी आसिया का खाविंद जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में रखा, इस फिरौन का नाम रामेसस सानी बताया जाता है।
दरअसल बीबी आसिया रयान बिन वलीद की पोती थी। रयान बिन वलीद वही बादशाह था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज़े मिस्र था और उसने हज़रत यूसुफ पर ईमान भी लाया था। जब मिस्र पर किबती ख़ानदान की हुकूमत आई तो फिरौन ने अपनी ताकत के ज़ोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हज़रत आसिया को फिरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हो सका। मवर्रखीन लिखते हैं कि अल्लाह ने फिरौन को नामर्द बना दिया था और बाज़ ने लिखा कि फिरौन को ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था, लिहाजा फिरौन कभी भी हज़रत आसिया के करीब ना जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी ताकि बीबी आसिया फिरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सके। बहरहाल हज़रत मूसा की परवरिश फिरौन के महल में किसी शाही फ़र्द या शहज़ादे के मानिंद हुई। हर तरह के आराम व आराइश आपके लिए दस्तियाब थे, लेकिन किबतियों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम फितरी तौर पर उनसे मुख्तलिफ किरदार के मालिक थे। हज़रत मूसा फिरौन के गुरूर व तकब्बुर और खुदाई के दावों को नापसंद किया करते थे और हमेशा तौहीद के मुतालिक वाज़ह बात किया करते, जो फिरौन और उसके दरबारियों को नागवार गुजरती थी। बहुत जल्द वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुवत अता की और आप फिरौन के दरबार में इस्लाम की दावत लेकर तशरीफ़ लाए। उस वक्त फिरौन के मुतालबे पर जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सहर का मुकाबला हुआ, जिसमें हज़रत मूसा की असा हकीकी सांप में तब्दील हो गई और जादूगरों पर हक वाज़े हो गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिन्हें हमारी हिदायत के लिए भेजा गया है। जबकि फिरौन अपने अना और गुरूर पर कायम रहा और मूसा अलैहिस्सलाम के दावत का इनकार कर दिया। इसी दरबार में बीबी आसिया भी मौजूद थीं, लिहाजा आपने जब यह सनसनी खेज मंजर देखा तो आपके दिल में फौरन हक का नूर चमक उठा और आप मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। बीबी आसिया फिरौन मिस्र की बीवी और मलका थी। आपके पास माल और दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफ़क़त और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोलकर उन पर सदका और खैरात किया करतीं। इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ भी कहा जाता है। चूंकि बीबी आसिया अपने शौहर रामेसस के मजालिम को भी खूब जानती थी, इसलिए अपने ईमान का इजहार ना किया। आप छुप छुपा कर एक अल्लाह की इबादत किया करती और अल्लाह से ये दुआ करती कि ऐ अल्लाह, मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे, मैं उसके कुफ्रिया हरकतों से बेजार हूँ। हज़रत आसिया खुफिया तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत करती और दुआ व इस्तग़फ़ार में मशगूल रहती। यहाँ तक कि फिरौन को एक दिन आपके ईमान लाने की खबर हो गई। उसने एक रोज़ अपने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों को मेरी बीवी की कुछ खबर है? तुम लोग उसके मुतालिक क्या जानते हो? सब ने बीबी आसिया की बड़ी तारीफ़ की और उनकी भलाइयाँ बयान की। फिरौन ने कहा, क्या तुम लोगों को नहीं मालूम वो मेरे सिवा दूसरे खुदा को मानती है? लिहाजा फिरौन ने हज़रत आसिया को दरबार में बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया कि तू किसे अपना माबूद मानती है? हज़रत आसिया ने दिलेरी और जज्बा ईमानी से जवाब दिया कि मैं मूसा के रब पर ईमान रखती हूँ, जो मेरा, तेरा और हम सब का खुदा है। फिरौन इस बेबाक जवाब पर गज़बनाक हो गया और बहुत जल्द पूरे शहर में इस बात की शोहरत हो गई कि फिरौन की बीवी और मलका ने फिरौनी तौर तरीके को ठुकराते हुए दीन मूसा कबूल कर लिया है। पहले तो फिरौन ने बीबी आसिया को समझा बुझाकर, तरगीब दिलाकर और डरा धमकाकर मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने हज़रत आसिया के चट्टान जैसे मजबूत ईमान और जज्बे को देखा तो उसने जुल्म व बर्बरियत से काम लेने की ठान ली। फिरौन ने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि आसिया को तपते हुए रेगिस्तान की धूप में लिटा दिया जाए, लिहाजा आपको शदीद गर्मी में रेत के तपते मैदान में छोड़ दिया गया। फिरौन उस जगह दौरा करता रहा और कहता रहा कि अब तू बाद आ जा, अगर तूने मेरी बात मान ली तो महल की शाही ज़िंदगी और आराम व आराइश तेरी मुंतज़िर है। मगर हज़रत आसिया पर इसका कोई असर न हुआ, क्योंकि आपको जन्नत के उस लाफानी मोहल्लात पर ईमान था जो अल्लाह ने उन्हें अता करने का वादा किया था।
जब फिरौन ने हजरत आसिया की साबित कदमी को देखा तो उसने आपको शहीद करने का फैसला कर लिया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बड़ी से बड़ी चट्टान कहीं से उठा लाओ और आसिया को चित लिटाओ और वो चट्टान उस पर गिरा दो। लिहाजा जब ये लोग पत्थर लाए और हजरत आसिया को लिटाया गया तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो परवरदिगार ने हिजाब हटा दिए और जन्नत को और वहां जो महल उनके लिए बनाया गया था उसे उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। आखिरकार उस पत्थर को आप पर गिरा दी गई और आपकी रूह परवास कर गई। हज़रत आसिया के फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में कुछ इन अल्फाज से आए हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से तो बहुत से दर्जाए कमाल तक पहुँचे लेकिन औरतों में से सिवाय फिरौन की बीवी आसिया और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान के और कोई औरत दर्जाए कमाल तक नहीं पहुँची। इस तरह एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिनते खवेल्द, फातिमा बिनते मोहम्मद और फिरौन की बीवी आसिया बिनते मुजाहिम और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान है। एक रिवायत में आता है कि बीबी आसिया का निकाह जन्नत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा, लिहाजा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसूम और फिरौन की बीवी आसिया के साथ होगा। हमने देखा कि हज़रत आसिया ऐसी हुकूमत के साथ ऐसे दरबार के अंदर इस कदर माल व दौलत, इताद गुजार गुलाम और कनीज़ों के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी थी, लेकिन उन्होंने हक को कबूल किया और मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ले आई। हालांकि उन्हें मालूम था कि ईमान लाने की वजह से उनकी तमाम खुशियाँ और मकाम व मनसब छिन सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, लेकिन आपने हक को कबूल किया और अपने गुज़श्ता आमाल पर तौबा कर ली। बिलाशुबा तौबा करना और ईमान पर मजबूती से कायम रहना कोई आसान अमल नहीं, लेकिन जो शख्स भी इस दुनिया की मुश्किलात से गुजर कर अल्लाह की इताअत करेगा और इंसानों के बजाय अल्लाह से डरेगा तो आखिरत में उसके लिए बेहतरीन लाफानी ज़िंदगी है। तो बेशक दोस्तों, अल्लाह का सिवा कोई इबादत का लायक नहीं है। अल्लाह ही ने सब कुछ दिया है इंसान को, लेकिन वो तकब्बुर और घमंड में इतना चूर हो जाता है जो अल्लाह का खौफ अपने दिल से निकाल देता है और खुदाई होने का दावा करने लगता है, तो उसको एक दिन फिरौन की तरह ही अंजाम भुगतना पड़ता है बेशक। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में बेहतरीन टॉपिक पे आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।